हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका साथी कुलदीप सिंह नवाले रोहित। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ खास बातें जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं दोस्तों। जी हाँ, आप चाहे बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, जो भी आपका प्रोफाइल है उसमें बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है दोस्तों, उसको हमने कैसे पकड़ना है, उस चीज़ को कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उसने झूठ बोला है या सच बोला है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही कारगर साबित हो सकती है आप सबके लिए। तो ट्रिक जो है, मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के हमारे दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। जब हमारा ब्रेन वर्क करता है तो कुछ हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो साथ में रिलेटेड हैं ब्रेन से, काफ़ी चीज़ें तो वो साथ में वर्क करते हैं। जैसे कि हम जब ब्रेन में कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी आंखों की पुतलियां साथ साथ वर्क करती हैं दोस्तों। जी हाँ, तो अगर आपने पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको समझना पड़ेगा हमारे पार्ट्स के बारे में। जो हमारा लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का, वो उसमें हमारी स्टोरेज रहती हैं, सारी मेमोरीज़, जितनी भी मेमोरीज़ हैं जो हमने रीड किया है, जो स्टडी की है, जो भी हमारे साथ घटनाएँ घटी हैं एक्चुअल में, वो सारी इसमें स्टोर रहती हैं। और जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, उसमें क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, वो सब उसमें होता है राइट साइड वाले पार्ट में। तो जब भी कोई झूठ बोली जाती है दोस्तों, वो एट द स्पॉट बोली जाती है, क्रिएट करता है सामने वाला पर्सन, तभी उसको एट द स्पॉट बोलता है। तो उसके लिए क्या है कि जब उस वो क्रिएट करेगा तो राइट साइड वाला ब्रेन उसका काम करेगा, और जब राइट साइड वाला ब्रेन काम करेगा तो जो उसकी आंखों की पुतलियां हैं वो बार बार राइट साइड में जाएंगी। अगर वो सच बोलेगा तो लेफ्ट साइड में जाएंगी, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो बार बार उसकी आंखों की पुतलियां राइट साइड में जाती हैं। ये बिल्कुल हमने प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखा, आजमा के देखा, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सब चीज़ें। और ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इसको घर में भी आजमा सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले को। बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये किसी की झूठ पकड़ने के लिए, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में अक्सर ऐसा होता है, काफ़ी सारे लोग आपसे मिलते हैं, कोई सच बताता है, कोई झूठ बोलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी झूठ बोलते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। इसे आप इस पर इम्प्लीमेंट करके देखें, हो सकता है आपके काम आएगी। तो और ऐसी ऐसी मैं कुछ वीडियोस आपके बीच में लाता रहूँगा, इसलिए अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं आपका साथी कुलवंत सिंह नरवाल फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।